चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पैड डिस्क लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद पैड लेंगे, 1000 नंबर का पैड लगाएंगे और सेंटर करके इसको प्रेस कर लेंगे। याद रहे कि ये सेटिंग आउट ना, वरना ग्राइंडर जो है आपका बिल्कुल वाइब्रेशन करेगा। और अब इसके अंदर पानी डालेंगे, इसको प्रेस करके ग्राइंड करेंगे। और याद रहे पानी ग्राइंडर के अंदर ना जाए, इसको नीचे करके पानी को डालना ताकि ये ग्राइंडर आपका जल ना जाए। और याद रहे ग्राइंडर के ऊपर एग्जॉस्ट के साइड पे जहाँ से वो एयर लेता है उसको कवर कर लें ताकि वो ग्राइंडर आपके नमी को एब्जॉर्ब ना करे, आपका ग्राइंडर बच जाए। अब इसको 1500 नंबर का पैड लगाएंगे, जिस तरीके से हमने 1000 नंबर का पैड लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से, और उसी तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे। और इसको वक्त इसको हाथ लगा के देखते रहेंगे ताकि इसकी कहीं से भी पॉलिश रह ना जाए। और पानी याद रहे स्लोली स्लोली इसके अंदर डालना है ताकि इसके ग्राइंडर के अंदर ना चले जाए। ये सीमेंट टाइल पॉलिशिंग आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आई होगी इस तरीके से पॉलिश करना। आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, इस तरीके की वीडियो और भी आपके लिए लाते रहेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुकी है, अब इसको हम ड्राई करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब ये ड्राई हो चुकी है, अब इसमें हम कोकोनट ऑयल लगाएंगे। कॉटन लेके उसको अच्छी तरीके से सूत लेंगे ताकि ये फैले ना, और फुल टाइल के ऊपर इसको प्रेस करके लगाएंगे। इस टाइल का कलर डार्क हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि अब ये ऑयल लग चुका है। ऑयल लगाने के बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा ड्राई करके उसके बाद फिर हम पॉलिश आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और बाद आपको मैं बता दूं कि सीमेंट पॉलिशिंग आप एज अ बिज़नेस भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनमें सीमेंट टाइल्स लगी होती हैं लेकिन उसकी पॉलिशिंग का तरीका किसी को मालूम नहीं होता। तो आप इसको बिज़नेस आइडिया भी ले सकते हैं, आप इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ठेकेदार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंजीनियर से कॉन्टैक्ट करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत छोटा प्रोसेस है लेकिन आप इससे काफ़ी हद तक अर्निंग कर सकते हैं, आप इससे अपना रोज़गार चला सकते हैं। और अब हम इसको पॉलिशिंग लगाएंगे, ये कीवी की पॉलिश है, आप चाहें तो इसको मेंशन पॉलिश भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से इसको लगा लेंगे, ये ऊपर ऊपर की सतह पर रहे ताकि हमें महसूस रहे कि हाँ पॉलिश लग रही है। या याद रहे ये ऑब्जर्व नहीं होगी पॉलिश, ये ऊपर ही रहेगी। अब ये ड्राई हो चुकी है बिल्कुल, इसको हमने तकरीबन 12 घंटे या 6 घंटे के करीब इसको हमने ड्राई किया है ताकि ये पॉलिश एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम लेंगे एक ब्लेड, याद रहे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट साफ़ सुथरी लेनी है, और ये स्ट्रेट ही इसको रब करना है ताकि ये स्क्रैचेस ना लाए टाइल के ऊपर। और ये जब तक आपको रब करना है तब तक इसका ये वाइट ब्रादर जो है ये निकलता रहे। और ये सारी पॉलिशिंग है जो ड्राई हो चुकी थी, अब ये रब होके ब्रादर बन के इसको निकाला जा रहा है, और उसको अच्छी तरीके से करते रहेंगे तब तक ये जब तक निकलता रहे। और इसके करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से रगड़ के दबा के प्रेस करके इसको हम कपड़ा लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल फिनिश रहे। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ग्लेस टाइल की तरह इसके अंदर शाइनिंग आ चुकी है। अब आप इसको बिल्कुल गौर से देखें और इसके अंदर से अभी भी ब्रादर निकल रहा है। ये जब तक आप ब्लेड यूज़ करनी है तब तक ये ब्रादर निकलता रहे, और जितना ये रब होगा जितना ये ब्रादर निकलता रहेगा उतनी ही ये शाइन करती रहेगी। और याद रहे कि ब्लेड ज़रा सी भी टेढ़ी या स्लोप में नहीं रब करना वरना स्क्रैच आ जाएंगे। ये है सीमेंट टाइल, इसकी हार्डनेस मार्बल या दूसरी चीज़ों के मुकाबले में थोड़ी सॉफ्ट होती है, इस वजह से इसको ज़रा सा भी इसको गलत मूव नहीं कर सकते, इसकी वजह से इसके अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे। इसके साइडें भी इसको साफ़ कर लें ताकि ये आपको एक एग्जैक्ट टाइल नज़र आए। और अब आप देख सकते हैं एक बिल्कुल ग्लेस टाइल की तरह इसके अंदर शाइन आ गई है। इसको
प्रेस करके इसके ऊपर कपड़ा लगाएं या बफ लगा सकते हैं तो वो लगाएं, ताकि इसकी शाइनिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, एक जैसी हो जाए चारों तरफ से। आप चाहें तो अपने घरों में या अपनी फ्लोर्स या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी भी तरीके से, एक छोटा सा स्केल है, आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं या अपनी होममेड या फ्लोर टाइल को पॉलिश कर सकते हैं।